हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आधा मीटर के कपड़े से फ्रॉक कैसे बनाएं 10 मंथ बेबी के लिए। तो कपड़े में 3 इंच का हमें एक लंबा सा पट्टी काट लेना है। अब मैं यहाँ पे स्केल से सीधी लाइन कर ले रही हूँ। आधा इंच मार्जिन रखा है मोड़ने के लिए। हम यहाँ पे 2 पट्टी निकालेंगे। अब यहाँ पे हम नीचे के भाग को निकाल रहे हैं, तो कपड़े को इस तरीके से करके पट्टी को आधा इंच के ऊपर चढ़ा के फुल लंबाई को नाप लेना है। 7 इंच हमने कट रखा है और फुल लंबाई 17 इंच। 17 इंच पे हमने निशान लगाया और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है मोड़ने के लिए। अब मैं यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड करके ऊपर वाले भाग को निकाल लेती हूँ, जिसको कट कहते हैं। कट हमने 7 इंच रखा है, आधा इंच मार्जिन रखा है मोड़ने के लिए। कंधा 4.5 इंच लिया है और चेस्ट 5.5 इंच, कमर 6 इंच। यहाँ पे हमने 4 इंच आर्म होल लिया है और मैं यहाँ पे गला भी रख रही हूँ। आप अपने अनुसार गला को रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस कपड़े में पीछे वाले भाग को निकालूंगी। कपड़े को 2 बार फोल्ड करके फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से बिठा दूंगी और कट कर दूंगी। अब इस बचे हुए कपड़े में मैं बाजू निकाल लेती हूँ। तो आधा इंच हमने मार्जिन रखा है मोड़ने के लिए और बाजू की लंबाई हमने 3 इंच रखा है।